Tatkin. Hello friends. Very very good morning. आइए आपको लेके चलते हैं रीजनिंग विषय के अपने अगले और एज यूजुअल पड़ाव पर छात्रगण, जहां बिल्कुल नए टॉपिक लेकर के आज आपके पास आ रहे हैं। कल की क्लास में हमने मैट्रिक्स की शानदार चर्चाएं करी थी छात्रगण, और आज की क्लास में हम सब आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन की ओर लेकर के चल रहे हैं। पूरी मैथमेटिकल ऑपरेशन की कहानी क्या है और ये कैसे चलती है, उसी की बातें होंगी, उसी की चर्चाएं करेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन में होता क्या है छात्रगण, कि जो ओरिजिनल सिंबल्स हैं मैथमेटिकल के, बोर्ड मास के, सबसे पहले तो देखिए आपको इसमें बोर्ड मास का रूल पूरा अच्छी तरह से ख्याल आता होना चाहिए कि बोर्ड मास के रूल्स क्या हैं। भाई तो सबसे पहले ब्रैकेट के काम होते हैं, वो भी ब्रैकेट में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर आपका जो है कर्ली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट, उसका यूज़ होता है, फिर ओ मतलब ऑफ का होता है, फिर डी डिवाइड का, एम मल्टीप्लाई का, ए का एडिशन, एस सब्ट्रैक्शन, ये आपका बचपन का याद होगा, यहाँ इसको रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे एक समीकरण होता है, इक्वेशन होता है, उस इक्वेशन में जो सिंबल होते हैं उसे क्वेश्चंस में बदल दिया जाता है। देखिए क्या कहता है, प्लस का अर्थ है डिवाइड, ये मानता है, क्वेश्चन है, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, डिवाइड का अर्थ है माइनस और मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। पूरी कहानी बिल्कुल इसी पर सेटअप है, इसी पर बेस्ड है। एक एक सिंबल जो यहां पर यूज किया गया है, देखिए क्वेश्चन को अब हम यहां पे ले रहे हैं, 8 + 6 / 4 - 7 × 3। सबसे पहले तो बच्चों को यह ख्याल रखना चाहिए कि इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। दो तीन तरह का क्वेश्चन आता है, सभी क्वेश्चन अभी आपको हम क्लास में प्रैक्टिस करा दे रहे हैं। सिंपली आप एकदम अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा, पेज आपको देता है बहुत सारा, पेज पे इस इक्वेशन को उतार लीजिएगा और सिंपल देख लीजिए, प्लस का अर्थ क्या है डिवाइडेड बाय, फिर इक्वेशन को तैयार कीजिए, डिवाइडेड बाय 6 हो गया, माइनस का अर्थ, अच्छा डिवाइडेड बाय का अर्थ जो जो यहाँ दिया हुआ उसी को दे, डिवाइडेड बाय का अर्थ है माइनस, तो 6 - 4, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 7, फिर मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, प्लस हो गया यहाँ पर 3। अब ये आपका ये इक्वेशन खत्म हो गया, अब आपका ये बन गया, ये क्वेश्चन बन गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये ओरिजिनल क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये आपका बन गया। अब इसका हल निकाल लीजिए, देख लीजिए सबसे पहले किसका काम होगा, डी से डिवाइड होता है, डिवाइड का तो ये कितना हो गया 8/6, उसके बाद किसका होगा मल्टीप्लाई का, यहाँ पर कितना है मल्टीप्लाई, तो कर लीजिए मल्टीप्लाई का, डिवाइड का काम हम लोग कर लिए हैं, मल्टीप्लाई सच्चों का कितना होता है 28, तो ये हो गया -28, हो जाएगा ना मल्टीप्लाई का काम करेंगे तो, और फिर प्लस आपका 3 बचा हुआ है। यही ना कहानी है, कि और भी कुछ है तो हमको बताइए, कुछ कहानी नहीं है। चलिए अब इसका हल निकाल लेते हैं फटाक से, कैसे हैं? इसको काट सकते हैं, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8 हल्का कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है वो सब काम करने का, है ना। बस यहाँ से 1 मान लीजिए, ये हो गया भिन्न का जोड़ और घटाव हो गया, 6 और 1 कैल्शियम ले लेंगे, 6 × 6 = 18 - 1 × 6 = 28 बार में दीजिए तो 6 × 8 = 48 हाथ में 4 × 6 = 12 और 4 + 6 = 18। ये आया आंसर, इसको यहाँ पर लेके चलते हैं, इक्वल टू करेंगे 18 में 8 जोड़ दीजिए, कितना आएगा 18 और 8 = 26 और 168 में 26 घटा दीजिए, 168 में 26, 8 में 6 = 2 = 142 आ गया, 142 अपॉन कितना हो गया 6, माइनस के साथ है, माइनस चल रहा है। अब काटिए, यहाँ कटे एकदम कटेगा, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 2, 2 × 14 = 21, तो आंसर मेरा आया -71/3। ओके ऑप्शन में देख लीजिए -71/3 है, तो आपका आंसर कितना हो गया नंबर 2। तो सिंपली देखिए ऐसे प्रश्नों में यही होता है छात्रगण, बाकी ये तो हल है, ये हल तो आप बहुत पहले बचपन से जानते होंगे बोर्ड मास का हल कैसे निकाला जाता है, तो इसमें ज़्यादा लोचा कुछ भी नहीं है, बस सिंपली जो क्वेश्चंस आपका दिया हुआ रहता है उसके अकॉर्डिंगली आप अपने सिंबल्स को चेंज करें, सिंबल चेंज करने के बाद आपका एक नया इक्वेशन क्रिएट होगा, उस नए क्रिएटेड इक्वेशन के आधार पर प्रश्न को हल कर दीजिए, यही है क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपका ये बन जाता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेशन के इस पहले क्वेश्चन को आपने अच्छा समझा होगा। आइए कई पड़ाव पर इसमें 2-3 तरह का क्वेश्चन आता है, दोनों दिनों क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा देते हैं, चैप्टर ही क्लोज कर देंगे। आइए आगे की ओर लेके चलते हैं, अगले पड़ाव पर है छात्रगण। प्रश्न कह रहा है यदि पी का तात्पर्य भाग दो, टी का तात्पर्य जोड़ो, एम का तात्पर्य घटाओ एवं डी का तात्पर्य गुना करो हो तो समीकरण, एक समीकरण ले लेते हैं, 12m = 12d = 28p = 17 = 15।
इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे फटाफट एकदम। आइए कर लेते हैं, m का तात्पर्य घटाओ तो 12 घटा 12, d का तात्पर्य क्या है, d का तात्पर्य है गुना करो इंटू 28, p का तात्पर्य है भाग दो 28 भागा 7, और t का तात्पर्य है जोड़ो कितना 15। ये आपका इक्वेशन बन गया। मैंने आपको पहले ही कहा कि किसी भी स्थिति में आपको ऐसे चैप्टरों से बिल्कुल भी घबराना आपको नहीं है और बहुत अच्छे से इसका जवाब दे देना है। इक्वेशन अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे यहाँ फटाक से। तो यहाँ हो गया 12, सबसे पहले डिवाइड का काम होता है तो 12 माइनस 12 इसको डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाई कितना आएगा 4 प्लस 15, यही बन गया। फिर हल निकालेंगे तो 12 पहले अब मल्टीप्लाई होगा 48, अब प्लस हो जाएगा 15। हल निकाल दीजिए 12 और 15, 15 दो 17 10 27 माइनस कितना हो गया 48, यही ना आ गया। दोनों को माइनस करेंगे तो 8 में 7 गया 1, 4 में 2 गया 2, माइनस 21 कहीं पर है, नहीं है, तो ऑप्शन कौन हो गया नन। तो बहुत ही आसान तरीके से छात्रगण, मैंने पहले ही कहा कि जो जो कुछ दिया हुआ रहता है उसे अच्छी तरह से सबसे पहले प्रश्न में देखिए कि क्या क्या दिया रहा है। एम क्या इंडिकेट कर रहा था, डी क्या इंडिकेट कर रहा था, पी क्या इंडिकेट कर रहा था, टी क्या इंडिकेट कर रहा है, इस इंडिकेशन के सहारे ऐसे प्रश्नों का जवाब दिया जा सकता है। हम देखिए बहुत आसानी से ऐसे प्रश्नों का जवाब निकाल पाने में कामयाब हो गए हैं। आइए अब आपको आगे की ओर लेके चलते हैं और एक अच्छे क्वेश्चन आपको करवाते हैं इसी सिंबॉलिक बेस पर जिससे इक्वेशन बना होता है। आइए आगे की ओर लेके चलते हैं। छात्रगण मैथमेटिकल ऑपरेशन पर एक स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो गया। अब ये कह रहा है ए स्टार बी का अर्थ है ए गुना बी, ए एट द रेट ऑफ बी का अर्थ है ए से बी घटाया जाए, ए डॉलर बी का अर्थ है ए में बी जोड़ा जाए, और हैच का अर्थ है कि ए को बी से भाग देना है। अब इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन बहुत डिफरेंट आ रहा है। क्वेश्चन कहता है m के 200% p के 60% के बराबर है तो p का मान कितना होगा। वैल्यूज आपको नहीं निकालना है, वैल्यूज इसी कोडिंग में आपको आंसर देना है, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। सिंपल क्वेश्चन लीजिए, क्या कह रहा है m का 200%, तो यानी m का 200% यानी कि m गुना 200/100, यही ना हुआ जी। m का 200% p के 60% के बराबर है, ये p के 60% के बराबर है। इसको छोटा कर लीजिए, यहाँ काटते हैं, 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 यही तो हुआ, यही ना है, क्या और भी कुछ है तो बताइए, कुछ भी नहीं है। अब सिंपल क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है कि m का 200% p के 60% के बराबर है। अब मेरा इक्वेशन क्या हो गया 2m गुना ये कितना हो गया, इसको भाग लगा दीजिए तो 0.6p हो गया, इसको भाग लगाएंगे। अब हमको p का वैल्यू निकालना है तो p बराबर कितना होगा 2 गुना m/0.6, यही ना हुआ वैल्यू जी। अब ये देखिए वैल्यू जो है किससे हम लोग इसमें निकाल सकते हैं, ये आपको खाली चेक कीजिए किससे निकाला जा सकता है। देख लीजिए कहाँ हम 2 गुना m करेंगे, 2 गुना m हम कहाँ करेंगे, देखिए कहीं पर है हम 2 ना लेकर के इसको 200 ले लेते हैं, 200 तो ले सकते हैं ना, तो देख लीजिए यहाँ कर सकते हैं ना 200, देख लीजिए 200 मल्टीप्लाइड बाय m मल्टीप्लाइड बाय m। हैच का मतलब क्या होता है देख लीजिए, हैच का मतलब है भाग दिया जाए, भागा दिया गया है 60 × 200, तो 60 × 200 ये वही कहानी है ना, कोई दिक्कत है। तो देखिए कितने आसान तरीके से छात्रगण हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया इसका नंबर 2। ये हमने हल निकाल दिया, आप हल ना निकाल करके डायरेक्ट इसको तोड़ेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से बनाया जा सकता है, थोड़ा सा अच्छा सा देखने का जरूरत है, कहीं कोई दिक्कत है तो हमको बताइए कि हाँ सर यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो आसानी से निकल जाएगा, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों लेके चलते हैं। इसी में एक स्टेटमेंट पर और भी क्वेश्चन दिया हुआ है, वो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं और क्या है। ये क्लियर हुआ अच्छी तरह से कैसे आंसर लेना है सिंबॉलिक बेस पे, ठीक है। आगे की ओर लेके चलते हैं छात्रगण, इसी पर इसी स्टेटमेंट पे क्वेश्चन बेस्ड है कि यदि 6 नींबुओं की कीमत 5 रुपये होगी तब 100 रुपये में कितने नींबू खरीदे जा सकते हैं। चूंकि प्रश्न क्या बोलता है कि यदि 6 नींबुओं की कीमत 5 रुपये होगी, चूंकि 5 रुपये में 6 नींबू खरीदा जा सकता है, 6 नींबू खरीदा जा सकता है, ठीक है। 5 रुपये में कितना नींबू खरीदा जा सकता है, 6 रुपये, 6 नींबू खरीदा जा सकता है। देयरफोर 100 रुपये में कितना नींबू खरीदा जाए, खुद समझ सकते हैं 6/5 गुना कितना 100, इतना ही ना खरीदा जा सकता है। 100 रुपये में कितना नींबू खरीदा जा सकता है, 6/5 गुना 100। अब इसी को हल ना निकाल करके इसका इक्वेशन दे दीजिए, तो एक डिवाइड है
तो डिवाइड देख लीजिए किसको कह रहा हैच, तो सिक्स हैच पर कोई क्वेश्चन है, देख लीजिए कहीं पर यहाँ पर सिक्स हैच पे क्वेश्चन नहीं है, है देख लीजिए सिक्स हैच फाइव इंटू क्या कह रहा है, गुना किस में है, गुना स्टार है, तो कहीं पर भी देख लीजिए, देखिए ये हो जाएगा तो सिक्स नहीं होगा, नहीं होगा, हाँ ये हो सकता है, देख लीजिए यहाँ पे हमको लाना है ये इक्वेशन लाना है, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है सिक्स इंटू हंड्रेड, तो सिक्स इंटू हंड्रेड इंटू किसके लिए है, गुना के लिए स्टार है, तो सिक्स स्टार हंड्रेड या हंड्रेड स्टार सिक्स, और यहाँ पे हैच के डिवाइड के लिए हैच है फाइव, हैच है फाइव, ए को बी से भाग दिया जाता है हैच, ये देख लीजिए इक्वेशन अगर कहीं पर भी है तो आपका आंसर आ जाएगा, देख लीजिए हंड्रेड स्टार सिक्स हैच फाइव, तो आंसर कौन हो गया टू, कहीं कोई दिक्कत, तो ये जो आप वैल्यू निकालते हैं छात्रगण, ये जो इक्वेशन का वैल्यू आपका निकल रहा है, ये वैल्यू ना निकाल करके एक 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 सर्टेन रिलेशन पर इसको छोड़ देना है, और इसको हम लोग कैसे अभिव्यक्त कर सकते हैं इक्वेशन के रिस्पेक्ट में, उसी को हम लोग को टो देना है, सिक्स इंटू हंड्रेड, तो ये नहीं देख रहा है हंड्रेड इंटू सिक्स या सिक्स इंटू हंड्रेड, क्या कहना है, कोई अंतर है, डिवाइडेड बाय फाइव, तो डिवाइडेड बाय को हैज से इंडिकेट किया गया था, हैज से दिया बेटा पाँच, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि स्टेटमेंट बेस्ड होंगे, और इस स्टेटमेंट के आधार पर वैसे प्रश्न होंगे, तो क्वेश्चन को बना लीजिएगा जैसे हमने बनाया है, इस प्रकार से क्वेश्चन को बना करके इसके लिए आप कैसे इक्वेशन पुटअप कर सकते हैं उसके आधार पर आंसर पाने का प्रयास कीजिएगा, उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा से समझ लिए होंगे, आइए एक आध क्वेश्चन और बनवा देते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ओके इसी स्टेटमेंट पर बेस्ड मेरा एक अगला क्वेश्चन है छात्रगण कि किसी वृत्त के क्षेत्रफल का परिकलन उसकी त्रिज्या के वर्ग के को 22 बटा 7 से गुना कर किया जाता है, ठीक है भाई, पाई आर स्क्वायर हम लोग का वैल्यू होता है, तो ठीक तो है, किसी वृत्त के क्षेत्रफल का परिकलन उसके त्रिज्या के वर्ग, आर स्क्वायर कर रहे हैं, आर स्क्वायर को पाई से गुना कर, पाई का वैल्यू 22 बटा 7 होता है, से गुना कर किया जाता है, तो 21 वृत्तों का कुल क्षेत्रफल प्रत्येक आर सेंटीमीटर त्रिज्या से कितना होगा, तो 21 वृत्तों का कुल क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, 21 पाई आर स्क्वायर, यही ना होगा, 21 वृत्तों का कुल क्षेत्रफल कितना होगा, 21 पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो गया, 21 गुना 22 बटा 7 गुना आर गुना आर, तो 7 दिया 21, ये हो गया 22 दिया 66, तो 66 गुना आर गुना आर निकल का आया, अब देखिए किस में है ये सब, अब हैच तो होगा नहीं चूंकि हैच डिवाइडेड बाय केवल स्टार होगा, स्टार वाला ऑप्शन है कोई भी, 66 गुना आर गुना आर, हाँ देखिए है 66 गुना आर गुना आर, तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया, चार, तो सिंपली जब हम मैथमेटिकल ऑपरेशन पर आते हैं छात्रगण, तो इसके दो पड़ाव हैं, एक तो प्लस को भागा गुना को माइनस ए करके बनाया जाता है क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंगली समीकरण का हल कर लीजिए, नंबर वन, नंबर दो क्या करता है कि भाई अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चंस दिया जाए तो बिल्कुल आप मत घबराइए, आप सिंपली क्वेश्चन का हल निकाल लीजिए, क्वेश्चन का हल क्या होगा, पूरा हल नहीं निकालिए, पूरा हल निकालने की जरूरत नहीं, एक बेस पर तोड़ दीजिए, जैसे 21 पाई आर स्क्वायर, अब यहाँ देखिए 21 से कोई ऑप्शन नहीं था, तो हम इसको थोड़ा सा और इसको तोड़ दिए, तोड़ने पर हम देखिए क्या कि ये 66 गुना आर गुना आर, देखिए ऑप्शन यहाँ पे मिल गया, तो थोड़ा सा ऑप्शन को मिलाते हुए ऐसे क्वेश्चनों का जवाब दिया जाता है, और अब बहुत अच्छा से मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन इसमें गलत नहीं होते हैं, और एक क्वेश्चन परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछा जाता है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है छात्रगण कि ऐसे चैप्टरों को बहुत बहुत कंसेप्ट से पढ़ें और बहुत ही अच्छे मजे तरीके से प्रश्नों को बनाने का प्रयास करें, तो आज की क्लास भी हम सब यहीं पे समाप्त घोषित करते हैं इस वादे के साथ कि अगली क्लास में पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सब्बा खैर, बाय बाय।